स्कर्दू पाकिस्तान की टॉप ट्रैवल डेस्टिनेशन में से एक है। इधर काफी लोग शॉर्ट ट्रिप के लिए बाय एयर आते हैं और कुछ लोग हमारी तरह नॉर्दर्न एरिया ट्रिप के लिए 2 दिन स्कर्दू गुजारते हैं। तो सवाल ये है कि 1 से 2 दिन स्कर्दू की ट्रिप के लिए परफेक्ट आइटिनरी क्या है? आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियोस पे सपोर्ट दिखाने का बहुत शुक्रिया। हम वीकली वीडियोस बनाते हैं जिसमें ट्रैवल करते हुए हम वाइल्ड लाइफ, हिस्ट्री, कल्चर और फूड पे फोकस करते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब। अच्छा जी, आज हमारा डे 3 स्टार्ट हो चुका है। हमारा रात को स्टे हुआ था ब्लासा इंडस व्यू होटल के ऊपर। रात को हम यहाँ पे आए थे तो हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था हम कहाँ पे आए हैं, क्योंकि व्यू बिल्कुल भी ब्लॉक था, रात का टाइम था, तो हमें कुछ पता नहीं था कि हम कहाँ पे आए हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन अभी जब हम सुबह उठे तो हमने देखा भाई कि यहाँ से तो व्यू बहुत ही ऑसम है। ये है द माइटी इंडस रिवर, जिसको ग्रेट ट्रांस ह्यूमिलियन रिवर ऑफ साउथ एशिया भी कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे लंबे दरियाओं में से एक है और ये तकरीबन 3200 किलोमीटर स्कर्दू से लेके अरेबियन सी तक बहता है। इंडस रिवर का एनुअल फ्लो 243 क्यूबिक किलोमीटर है, जो नाइल रिवर से 2 गुना ज्यादा है। अब हम दुनिया के 2 हाईएस्ट कोल्ड डेजर्ट्स में जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी डिबेट ये है कि इन दोनों में से ज्यादा ऊंचाई पे कौन सा है। कटपना डेजर्ट पहुंच चुके हैं। उसामा आज के लिए हमारा टूर गाइड है। ये हमें क्योंकि लेके आया यहाँ पे, ये आता रहता है। सबसे पहले तो उसामा को थैंक्स बोलेंगे। उसामा ये सर्विसेज किसी को भी दे सकता है, कंडीशन ये कि आपका क्यूट होना बहुत जरूरी है। Only cute is allowed. अपने you must be cute. Only 8 and above. पहली बार इतने ऊंचे पहाड़ों के बीच में सैंड ड्यून्स देखकर मैं काफी हैरान हुआ और दिमाग में एक ही थॉट आई कि इधर जीप चलाने का कितना मजा आए। दुनिया की हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस जो हैं वो यहाँ पे आके मिल रही हैं। इस डेजर्ट को तकरीबन चारों साइड से माउंटेन्स ने कवर किया हुआ है। हिमालय के आ जाते माउंटेन्स, अच्छा कराकरम और हिंदू कश के माउंटेन्स जो हैं वो इसको चारों तरफ को कवर किए हुए हैं। सैंड ड्यून्स को उर्दू में रेत के टीले कहते हैं। कटपना डेजर्ट जो है ये दुनिया का हाईएस्ट कोल्ड डेजर्ट है। कुछ लोग कहते हैं कि सरफरंगा डेजर्ट की हाइट ज्यादा है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि वो ऊंचा है, कुछ कह रहे हैं ये है। तो हमने ये डिसाइड किया कि अब हम जाके उसको भी एक्सप्लोर करते हैं और फिर हम आपको बताते हैं कि ज्यादा हाइट पे कौन सी डेजर्ट है। ऑफ सीजन में हमें इधर कोई एक्टिविटीज तो नजर नहीं आई, पर इस जगह को खाली एक्सपीरियंस करने का भी अलग मजा था। अच्छा जी, हम इस टाइम याकिन बुल कैफे में हैं और इधर हमें उसामा लेके आया है। उसामा ने कहा कि भाई यहाँ से हमें शेक्स और ये बाकी चीजें जो सी हैं अच्छी मिलेंगी। मैंने कहा इसको जरा सलाजीत वाला शेक बनाए, लोगों को बड़ी मिसकंसेप्शन है सलाजीत के बारे में, इसके समय नो। अच्छा है डिश, इसमें नट्स और बाकी चीजें भी हैं। इसमें भी बस मोस्टली नट्स हैं, आई थिंक सम फ्रूट्स भी हैं। यस, काफी नाइस टेस्ट। कितना पता है? मैजिक है। ओह माय गॉड, ये सबसे बेस्ट शेक है, ये ट्राई करो। छोटे से ब्रेकफास्ट ब्रेक के बाद हमने सफर वापस शुरू किया सरफरंगा की तरफ। सरफरंगा डेजर्ट स्कर्दू सिटी से थोड़े ही फासले पर है। क्योंकि ये विंटर्स का टाइम है और यूजुअली इस वक्त स्नो होती है, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कोई एक्टिविटीज अवेलेबल होंगी। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के इतने नुकसान में एक छोटा सा फायदा ये हो गया कि हमें एक अकेली जीप खड़ी हुई नसीब हो गई। अच्छा जी, हम सरफरंगा डेजर्ट पहुंच चुके हैं कि हम पहले जा रहे हैं ऑफ रोडिंग करने के लिए, तो हम जरा राइट साइड एंजॉय कर रहे हैं, सारे रेडी हैं। That's where we're going. वो सामने ड्यून्स पे हमने जाना है अभी।
टाइम पे सरफरंगा डेजर्ट के बिल्कुल सेंटर पॉइंट के ऊपर आ चुके हैं। Climbing this steep dune on foot. दिल तो ये चाह रहा था कि हम पूरा दिन सैंड ड्यून्स पे गुजार दें, लेकिन विंटर्स में डेलाइट लिमिटेड होती है और ये शॉर्ट ट्रिप की आइटिनरी है, तो हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़े। Sapara Lake now, and hopefully we can get there before it's too dark and we can actually spend some time there. I'll see you at the next destination then. Sapara Lake भी स्कर्दू सिटी से थोड़े ही फासले पे है। ये एक नेचुरल लेक है जो एंशियंट ग्लेशियर्स के पिघलने से बना था। हम इस वक्त सतपारा लेक पहुंच चुके हैं। सूरज को देख के लगता है कि हमारे पास 30-40 मिनट्स हैं। स्कर्दू वैली का मोस्टली पानी इसी लेक से आता है। इधर भी सीजन में कुछ बोटिंग एक्टिविटीज होती हैं टूरिस्ट के लिए, लेकिन इतनी ठंड में तो सीन ऑफ है, तो हमने कहा कि पानी के पास जाकर थोड़ा मंजर ही देख लें।